वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो कुछ बढ़िया पॉकेट्स टारगेट करने की कोशिश, तो एक तो चेन्नई, दोनों स्टॉक्स इनकी टीम में थे कल, पहले ही बता देता हूं, और कल बढ़िया मूव्स बने भी, पर आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। चेन्नई वैसे 10% ऊपर वाला बंद हुआ 6% ऊपर ही, तो ऑफ हाइज क्लोज हुए, ये भी ध्यान रखिएगा। हमने रिजल्ट्स पे रिएक्शन दे दिया है, पर बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे कल भी। जब ये नंबर्स बता रहे थे, मैंने बताया था एक क्वार्टर का ईपीएस 60 या 65 रुपए के आसपास पहुंच गया था, एक क्वार्टर का। वो दिखा रहा है किस तरह की टेलविंड्स इन लोग के फेवर में है, और इसीलिए शायद कल के उस उछाल में मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन होते हुए नजर आए। वो डिटेल्स आप लोग की स्क्रीन पर आ रही होंगी। खैर, जो अपडेट्स आए इन्वेस्टर के चेक इन करने के, उसके नीचे ये स्टॉक आके काम काज कर रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए और कंफर्ट जोन, लेकिन अपन सिर्फ ट्रेड लेने का मन बना रहे हैं। ओपनिंग को थोड़ा सा वॉच करेंगे, इन ग्रीन ओपनिंग हो रही है, थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक, तो आपका मन, आपके इंडिपेंडेंट एडवाइजर का कॉल। चेन्नई पेट्रो लगता है अच्छा ट्रैक्शन दिखा सकता है, चेन्नई पेट्रो का ट्रैक्शन दिखा रहा है, और इस तरह के स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। तो कल भी ये मेंशन हुआ था कि एमआरपीएल को रखिएगा रडार पे, हूबहू सिमिलर बिजनेस मॉडल, सारे टेलविंड्स इनके फैक्टर फेवर में भी जाते हैं। तो एमआरपीएल ये भी कल ऑफ हाइस हो गया था फाइनली 5.5, क्योंकि कुछ कंसर्न्स रशिया से तेल को लेकर वो सब उभर रहे थे, पर आज लगता है शायद इन ग्रीन वापस ट्रेड होता हुआ नजर आए। हाँ, ये जरूर है कि फोर्स मेजर हो या अलग अलग क्लॉज दिक्कतें वहां पे, वहां के प्रोजेक्ट्स को, वहां से क्रूड को लेकर एक्शन पार्ट्स, ये सब है। तो हम सिर्फ इस समय ट्रेड की बात कर रहे हैं ना, हम उन नंबर्स को देखते हुए, उस तरह के ईपीएस को देखते हुए कोई लंबा कॉल लेने का मन नहीं बना रहे। और ये स्टॉक वैसे भी ट्रेड वाले ही है, सरकारी कंपनी है, इनको तो ट्रेडिंग रडार पे रखना चाहिए, ज्यादा बेहतर है हमेशा। इसके अलावा दो टाटा ग्रुप की एंटिटीज अलग अलग रीजन से, लेकिन दोनों इंटरेस्टिंग जंक्शन पे बैठी हुई हैं। दोनों के अगर एक्ट्स आप एक एक महीने के आप कैंडल स्टिक्स दिखाएं या लंबे कैंडल स्टिक दिखाएं, बल्कि अगर उससे लंबे दिखा सकें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो देखेंगे आप बड़े इंटरेस्टिंग जंक्चर्स पे दोनों स्टॉक्स खड़े हुए। पहला है टाटा पावर, कोई ऐसी कोई खबर नहीं है टाटा पावर को लेकर, इंटरेस्टिंग जंक्चर पे पावर स्टॉक्स। आज सुबह आपने सुना होगा मानस भी मेंशन कर रहे थे कि पावर ग्रिड एनटीपीसी वो सरकारी कंपनी अच्छी लग रही है, टाटा पावर भी इंटरेस्टिंग जंक्चर पे खड़ा हुआ है। ऑफ हाइज वो रिन्यूएबल एनर्जी वाला धंधे की खबर, उससे पहले अच्छा मोमेंटम, वो खबर आने के बाद ठंडा पड़ा, ठंडा पड़ने के बाद अब इंटरेस्टिंग रिस्क रिवॉर्ड की प्रपोजिशन पे आके खड़ा हुआ है। तो टाटा पावर ने दरअसल अनाउंसमेंट करा कि भाई नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल जो नेरेडको है उनके साथ कोलैबोरेशन हुआ है। बेसिकली कोलैबोरेशन क्या है, नेरेडको की जितनी प्रॉपर्टीज आनी है, जो इनके मेंबर डेवलपर्स की प्रॉपर्टी, नेरेडको क्या है, रियल एस्टेट ऑर्गेनाइजेशन होगी नेशन वाइड, क्रेडाई है, दूसरा नेरेडको है, नेरेडको के साथ टाटा पावर ने टाइप करा है। तो इसकी जो मेंबर डेवलपर्स हैं, वो जो प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे वहां पे ईवी चार्जिंग पॉइंट सब टाटा पावर लगाता हुआ नजर आएगा। 5,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाने की तैयारी, टाटा पावर बहुत एग्रेसिव है मुंबई में, तो ज्यादातर सोसाइटीज में, ज्यादातर नहीं, हमारी सोसाइटी में तो आ गया है, टाटा पावर के ही लगा है, तो एग्रेसिव हो चुका है काफी हद तक, रडार पर रखिएगा टाटा पावर को। खैर, ये सब इस डेवलपमेंट का कोई स्टॉक पे फंडामेंटल इंपैक्ट पड़ता है, अभी नहीं पड़ता है, खबर का टेलविंड मिल गया मुझे, साथ साथ ऑफ हाई ट्रेड कर रहा था इसीलिए। दूसरा स्टॉक है टाटा मोटर्स का। अच्छा, टाटा मोटर्स को भी मैंने इन ग्रीन रखा है क्योंकि उसका भी ऐसी चार्ट आएगा स्क्रीन पे, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन टाटा मोटर खड़ा हुआ है, कंसोलिडेशन का दौर थोड़ा सा नजर आएगा आपको। टाटा मोटर्स फोकस में इसीलिए क्योंकि ऑफ हाइज इंटरेस्टिंग जंक्चर पे, और आज एक नई ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने की तैयारी। तो आपको याद होगा चैनल पे मेंशन हुआ था टाटा मोटर्स का एक बड़ा एम्बिशियस प्लान था, 5 साल में 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का लॉन्च का डोमेस्टिक मार्केट। इसने हाल में दो, अब ये एनीबडीज गैस, ये लॉन्च क्या होने वाला है यार, 10 तरह के आपको तुक्के मिलेंगे बाजार में, सब अपने अपने गैस वर्क कर रहे हैं। पर जो इंटरेस्टिंग है, दो नए नाम टाटा मोटर्स ने रजिस्टर करे थे, कर्व और स्लिक। टाटा कर्व जो है ग्लोबल ईवी एसयूवी कूपे, वो ऑलरेडी अनवेल कर दी है, तो अब इनके पास जो दूसरा रजिस्टर्ड नाम पड़ा हुआ है वो है टाटा स्लिक। इसीलिए कई लोग मान रहे हैं आज जो लॉन्च होगा वो शायद टाटा स्लिक के नाम से कोई नई एसयूवी 7 सीटर की लॉन्च होती हुई नजर आए। तो टाटा मोटर्स को रखिए रडार, बहुत एग्रेसिव, बहुत अच्छी पकड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और लकली 4 पहिया में तो आग नहीं लग रही। आपके स्टॉक्स ईवी वाली तो बहुत दिख रही है इनकी गाड़ी, गजब है भाई साहब, और अच्छी भी लग रही है वो नेक्सॉन, खासतौर पर सबसे दिखती है अच्छी लगती है, ग्रीन नंबर प्लेट का चार्म है वैसे। ईवी इज द फ्यूचर बॉस, बहुत ही